छापामारी की जा रही है, इसमें आपको कहाँ तक जानकारी है और किस लिए छापामारी की जा रही है? मुझे कुछ पता नहीं है क्यों छापामारी हो रही है, काहे के लिए हो रही है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर हमको शक हो रहा है और लग रहा है कि किसी के साजिश के जरिए ये काम किया जा रहा है। हमारे साथ ये जो हो रहा है किसी का साजिश के जरिए हो रहा है। किसकी साजिश लग रही है आपको? साजिश है, आज हम लोग अभी बहुत दो गुट में बटे हुए हैं। तो आपका कहीं न कहीं निशाना प्रतिपक्ष नेता के पर है। अब क्या है, अभी कैसे कहे हैं जब क्लियर हो? दो गुटों में तो स्पष्ट है, दादाजी दुबे गुट है, प्रतिपक्ष नेता गुट। प्रतिपक्ष नेता का गुट है कि अब किसका गुट है, सामने तो आ ही जाएगा दो चार रोज में, जब इसके बारे में अभी किसको कहे। लेकिन ये तो बात जरूर है, दो गुटों में बात जहां तक आई, एक दादाजी दुबे के साथ में आप रहते हैं, लोगों को उम्मीद? हाँ बिल्कुल, दादाजी दुबे के साथ हूँ और मरते दम। तो दूसरा गुट तो निशाना आपका वही है, बच रहा है, हो सकता है। क्या इसमें राजेंद्र सिंह का इसमें कुछ? हाँ भाई, हम कैसे राजेंद्र सिंह का नाम ले, लेकिन कोई ना कोई है इसमें, है। लेकिन जो चीज लोग जो साजिश करने वाले अगर सोचते होंगे कि इसको ऐसे ऐसे इसके साथ ऐसे शिकस्त किया जाए, ऐसे जुल्म किया जाए, तो उसका भूल है, ये कभी हो नहीं सकता है। मैं दुबे जी के साथ हूँ और रहूँ। अभी तक जो छापेमारी की जा रही है, हमारी तो राजनीतिक दुश्मनी और दुश्मनी के कारण की करवाई जा रही है, साजिश के तहत करवाई जा रही है। और सभी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये जो यहाँ के विधायक हैं जम्मू के, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो सारे काले धंधे यहाँ संचालित करते हैं, जिनका बेटा रेलवे के रैक में लाखों करोड़ों का हेराफेरी कर रहा है, और खुद जो अभी कोल इंडिया में 10,67,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, उसमें जो कोल इंडिया का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, उनके साजिश के तहत उनके मिली भगत से हुआ है। लेकिन सीबीआई की हिम्मत नहीं है कि और इनकम टैक्स वालों को उन पर हाथ डाल सके, इसलिए ये लोग छोटे छोटे लोगों को जो जी खा रहे हैं, अब शकील जैसे लोग और इस तरह छोटे मोटे लोग जो अपनी किसी तरह छोटे मोटे रोजगार करके जीविका चला रहे, ऐसे लोगों के ऊपर रेड हो रहा है। ये खुद ये संस्था का बदनामी है और इसका एकदम राजनीतिक साजिश के तहत इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस तरह इससे संस्था से लोगों का विश्वास हट जाएगा। जो बड़े मगरमच्छ है उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, छोटी छोटी मछलियों को ये प्रताड़ित किया जा रहा है। आयकर विभाग अभी तक कहां तक सफलता मिली आपके यहाँ? आयकर विभाग तो अभी आया है, जांच कर रहा है, अभी तो उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। उन लोगों का जब कार्य समाप्त होगा तब वो बताएंगे कि उनको क्या उपलब्धि हासिल हुई है, क्या नहीं हुई है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं उनको।